स्पाइडरमैन के बच्चे, तुमने यहाँ पे गूगल मैप सही से तो लगाया है, ये कौन से जंगलों वाला रास्ता से हम लोग जा रहे हैं? अले सर जी, सही से तो लगाया है, आप सही से चलिए। सही सही तो मैं जा रहा हूँ, बट अगर हम लोग घर नहीं पहुँचे ना तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं स्पाइडरमैन, समझे? पता नहीं कौन सा रास्ता से लेके जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब आगे बताओ क्या करना है। आगे से लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट जाना है। पता नहीं ये कहाँ लेके जाके मानेगा, ये गूगल मैप भी कभी कभी ढंग से कभी काम नहीं करता है। चलो अब कुछ कर भी तो नहीं सकते, चलो जल्दी। अले सर जी क्या हो गया, गाड़ी चल क्यों नहीं रही? एक सेकेंड, ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही? एक बात बताओ स्पाइडरमैन, तुमने गाड़ी में पेट्रोल तो डाला था ना निकलने से पहले? अले सर जी मैं तो भूल गया, पेट्रोल का पैसा से तो मैंने बर्गर खा लिए थे। ओह नो, ये देखो हमारी गाड़ी से तो धुआं भी निकल रहा है, एक तो पेट्रोल भी नहीं है, ऊपर से गाड़ी से धुआं भी निकल रहा है। अब क्या करेंगे, ये कौन सा जंगलों वाला रास्ता में आके हम लोग फंस चुके हैं। अरे सर जी ये शॉर्टकट रास्ता था, घंटा शॉर्टकट रास्ता था। देखो यहाँ पे आके हम लोग कहाँ फंस चुके हैं, और हमारी गाड़ी भी यहाँ पे खराब हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा करेंगे क्या, यहाँ पे कोई मदद करने के लिए भी नहीं है। अब हम लोग रात भर क्या करेंगे, वैसे भी पूरी रात होने वाली है। लगता है कुछ लोग आए हैं, उनका स्वागत तो करना ही पड़ेगा। चलो देखूं तो, अरे वाह यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही लोग हैं, सबको घर के अंदर बंद कर देता हूँ, मजा आएगा, बढ़िया है मेरे घर पास आने के लिए। चलो ये अंकल सारे लोगों को अच्छे से सबक सिखाएगा। अंकल आ रहा है। एक काम ही करना पड़ेगा, मैं काम करता हूँ अंदर जाके मदद मांगता हूँ, यहाँ पे घर है, अगर ये लोग हमारी मदद कर दें तो आज रात का सोने का इंतजाम हो जाएगा, फिर कल सुबह मैं फोन करके हम लोग मैकेनिक को बुला के अपनी गाड़ी ठीक करा लेंगे। तुम लोग हटो हटो सामने से स्पाइडरमैन, तुम्हारे चक्कर में ये सब चीज हुआ है। चलो अब जल्दी से जाता हूँ और जाकर के अंदर मदद मांगता हूँ। अरे कोई है भाई साहब, कोई है अंदर? एक सेकंड, लगता दरवाजा तो खुला ही, अंदर ही चल जाता हूँ। एक सेकंड भाई साहब, आप डंडा लेके क्यों खड़े हैं? मैं डंडा लेके क्यों खड़ा हूँ अभी बताता हूँ, ये लो मजा आया। मैं डंडा लेके क्यों खड़ा हूँ, अभी तो सिर्फ मैंने एक को टपकाया है, अभी तो सभी लोगों को टपकाना बाकी है। आने दो सभी लोगों को अंदर धीरे धीरे। आइला सर जी को इतना टाइम क्यों लग रहा है अंदर जाने के बाद, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग गया, क्या मैं देख करके आऊँ? नहीं एक काम करो, तुम गाड़ी के पास ही रहो स्पाइडरमैन, हम लोग तीनों जाते हैं अंदर देख के आते हैं, तुम गाड़ी के पास इंतजार करो ठीक है? चलो आ जाओ हल्क और कैप्टन अमेरिका, अंदर जाके देखते हैं ये आयरन मैन अंदर कर क्या रहा है, सोने तो नहीं लगा। चलो अंदर चलते हैं, जल्दी से आ जाओ तुम लोग सब भी। एक सेकंड, अंदर ये क्या हो गया? नो आयरन मैन तुम ठीक तो हो? अब तुम सबकी बारी आ गई है, ये सब लोग तो हो चुके हैं बेहोश, सिर्फ एक जन बचा है, उसे तो मैं पर्सनली बेहोश करूंगा जाके। अरे दोस्तों कितना बोर लग रहा है, मतलब कि देखो सारे के सारे लोग अंदर चले गए, अंदर जाके खाना पीना तो चालू तो नहीं कर दिए मेरे बिना, क्या होगा दोस्तों? एक काम करता मैं भी अंदर जाता हूँ, मुझे भी खाना है। अच्छा तुम मुझे यहीं मिल गए, अब इस बच्चे को भी जल्दी से उठा के अंदर ले जाता हूँ। अरे छोड़ दो, तुमने मेरे सारे सारे दोस्तों को क्या किया, अवेंजर्स लोग को कहाँ रखा है? चलो आ जाओ, तुम्हें भी अभी वहीं लेके जाने वाला हूँ, ये देखो तुम्हारे सारे के सारे दोस्त लोग, अब इन सबको बेसमेंट में ले जाऊंगा और तुम्हें भी बेसमेंट में ले जाऊंगा। चलो आ जाओ, इसे बेसमेंट में ले जाके बंद कर देता हूँ, इधर आओ चलो मेरे साथ बेसमेंट में। कोई भी तुम सबको ढूंढ नहीं पाएगा। अला छोड़ दो, फ्रैंकलिन आएगा हम लोग को ढूंढने के लिए। कोई फ्रैंकलिन नहीं आएगा, तुम लोगों को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अरे गाइजर आप लोगों को पता है बहुत दिन हो गया, भाई अवेंजर्स लोग का ना तो कॉल आया है ना तो पता चला है, इसीलिए गाइजर मैं ही आ चुका हूँ, क्या पता अवेंजर्स लोग घर के अंदर ही हो। अरे अवेंजर्स क्या हो गया यार, मेरे से नाराज उराज हो गया, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे अवेंजर्स लोग कहाँ हैं? भाई पता है बहुत दिनों से मैं यार अवेंजर्स लोग से मिला नहीं हूँ। एक सेकंड, अवेंजर्स तुम लोग हो कहाँ पे? जरूर यार जिम वाले सेक्शन में होंगे। यहाँ पे भी नहीं है, जरूर नीचे पार्किंग में होंगे। एक सेकंड गाइजर, यहाँ पे भी कोई नहीं है, जरूर एक सेकंड ऊपर वाले कमरे में होंगे जहाँ पे पावर सब रखी जाती है। एक सेकंड यार यहाँ पे भी कोई नहीं है, सारे के सारे लोग गए कहाँ पे, गायब हो गए क्या? ओके लगता है मुझे इन सबको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों मैं भाई अवेंजर्स लोग और आयरन मैन को कॉल भी लगा रहा हूँ बट वो लोग का कॉल भी नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा सारे के सारे लोग गए कहाँ। अगर गाइस आप लोगों को पता है कि सारे के सारे अवेंजर्स लोग कहाँ गए हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लगता है गाइस मुझे ना यार यहाँ पे अवेंजर्स लोग को ढूंढने के लिए जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहे, अब मैं क्या करूं? चलो यार जल्दी से अवेंजर्स लोग को ढूंढने के लिए चलता हूँ। अवेंजर्स लोग चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। ओके तो गाइस यार मैं यहाँ पे निकल पड़ा हूँ अपने सारे दोस्तों को ढूंढने के लिए, ये देखो ये रही मेरी गाड़ी, आज तो गाइस यार मैं अपने सारे दोस्तों को ढूंढ के ही रहूंगा। पता नहीं गाइस यार ये सारे के सारे मेरे दोस्त कहाँ गायब हो चुके हैं। एंड गाइस यार मैं यहाँ पे कुछ नोट डाउन कर लेता हूँ कि मैं सही जगह पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, यहाँ पे कुछ और बच्चे लोग भी यहाँ पे गायब हो चुके हैं, ये देखो मेरा सारा बोरिया बिस्तर मैंने सब चीज यहाँ पे बांध लिया है, मैं अपने सारे दोस्तों को लेके ही लौटूंगा और मैंने यहाँ पे कैमरा भी ले लिया है। चलो यार जल्दी से यहाँ पे ढूंढना शुरू करता हूँ। ओके ये रहा मेरा मैप,
भाई रात भी हो चुकी, मुझे डर भी लग रहा है। एक सेकंड गाइजर, ये क्या झाड़ियों में से क्या पीछे निकल रहा है, देखूं जरा, फोटो क्लिक कर लेता हूँ। अरे यार ये तो एक बिल्ली है, इससे क्या डरना। भाई चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। भाई आसपास कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक सेकंड, ये अंकल, ओके ये अंकल तो एक बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। ये लगता है किडनैपर है। अरे ये तो वही अंकल है जो गाइजर बच्चों को किडनैप करते हैं। लगता है मेरे सारे के सारे दोस्त लोग को इन्होंने ही किडनैप करके रखा होगा, मेरे सारे अवेंजर्स लोगों को। भाई यही अंकल ने किडनैप कर लिया होगा। एक सेकंड, ये क्या लेके आ रहे हैं भाई, शवल क्यों लेके आ रहे हैं। भाई कुल्हाड़ी लेकर के आ रहा है मुझे मारने के लिए। लगता है यार मुझे यहाँ पे चाबी डाल करके गाड़ी को चालू करना होगा। अरे मेरी गाड़ी मेरी धन्नो चालू हो जा, ओके फाइनली चालू हो चुके हैं। अरे अंकल मैं तो चला। ओ नो, अंकल ने गाजर मेरा सीता तोड़ दिया। चलो कोई नहीं, कम से कम मैं बच के भाग तो रहा हूँ। चलो यार जल्दी से भागता हूँ। एक सेकंड, सामने मेरे कौन आ गया। ओ नो गाइजर, ये क्या, मेरी यहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हो चुकी है। ओके गाइजर ये देखो, मेरी गाड़ी के तो यहाँ पे तगड़ी तरीके से एक्सीडेंट हो चुकी है। ये मैं कहाँ फंस चुका हूँ, मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए आया था और यहाँ पे खुद ही आके फंस चुका हूँ। चलो एक काम करता हूँ, बाहर निकलता हूँ। ओ नो गाइजर, मेरी गाड़ी इस तरीके से फंसी हुई है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता। लगता है गाइजर मुझे यहाँ पे दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। चिंता मत करो सारे के सारे अवेंजर्स लोग, मैं तुम सबको बचा के रहूंगा। और गाइजर जितने भी अंकल ने बच्चों को किडनैप करके रखा होगा ना, उन सारे बच्चों को भी मैं छुड़वा के ही रहूंगा। ओके तो गाइजर सबसे पहले मैं खुद को तो बचा लूं। मुझे गाइजर यहाँ से सबसे पहले निकलना है। यहाँ पे गाइजर एक लीवर है, चलो इसे जल्दी से दबाता हूँ। ओके गाइजर ये देखो, यहाँ पे एक दरवाजा खुल चुका है। चलो ये तो बढ़िया है, यहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ ये दरवाजे से। ये दरवाजे को बस खोलने की देरी है। अब मैं यहाँ पे कैसे खोलूं। अरे यहाँ पे तो एक चाबी है। अरे वाह, यहाँ पे मुझे चाबी मिल चुकी है। चलो इसमें डालता हूँ और गाइजर इसे खोलता हूँ। यहाँ पे गाइजर मुझे यहाँ पे कुछ पार्ट्स मिला है, ये देखो। ओके गाइजर ये पार्ट्स लगता है मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये देखो ये सारे के सारे पार्ट्स में अगर जैसे लगा लूंगा मैं भाई साहब, जैसे कि ये लीवर को जैसे नीचे करूंगा ना ये दरवाजा खुल जाएगा। चलो बढ़िया, यहाँ पे ये पार्ट्स लगा लेता हूँ। अभी भी गाइजर यहाँ पे दो पार्ट लगाना बाकी है, दो मशीन का पार्ट लगाना बाकी है। एक सेकंड गाइजर, यहाँ पे तो क्रोबर है। लगता है गाइजर मुझे क्रोबर चाहिए, बट यहाँ पे मुझे भाई शीशा लगा हुआ है, इसे तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे तो पत्थर है। चलो गाइजर ये पत्थर मैंने ले लिया है, इसे फेंकता हूँ। लेट्स गो गाइजर, ये लो। ओके यार मैंने पत्थर फेंक दिया और ये यार यहाँ पे मुझे क्रोबार मिल चुका है। चलो ये तो बहुत बढ़िया है, क्रोबार से मैं कुछ भी खोल सकता हूँ। अरे एक सेकंड, यहाँ पे लगता है मैं क्रोबार को खोलना चाहिए। चलो फाइनली मैंने क्रोबार की मदद से यहाँ पे तो खोल दिया है। एंड यहाँ पे क्या है। ओके चलो एक काम करते ऊपर जाते हैं। ऊपर मुझे लगता है कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, या फिर मुझे मशीन का एक पार्ट ही मिल जाए, भाई ये भी अच्छी बात है मेरे लिए। ओके मुझे लगता है वहां पर जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से जंप करता हूँ मैं। एंड गाइजर यहाँ पे जंप करके ओके मैं ऊपर आ गया। और गाइजर देखा यहाँ पे मुझे पार्ट मिल चुका है, मुझे लग ही रहा था मुझे यहाँ पे पार्ट मिल जाएगा। चलो अब जल्दी से नीचे जाता हूँ। लेट्स गो गाइजर, यहाँ पे मैंने यार यहाँ पे दो पार्ट मैंने ऑलरेडी लगा लिया है। अरे लग जा भाई क्या दिक्कत है। और यहाँ पे बस एक पार्ट बचा है और मुझे जहाँ तक लगता है ना एक पार्ट शायद इसके अंदर होगा। लेट्स गो खोलता हूँ। अरे यार ये देखो मेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, मुझे यहाँ पे लास्ट पीस ही मिल चुका है। अब चलो यहाँ पे मैं आराम से इसे खोल सकता हूँ। लेट्स गो गाइजर, चलो फाइनली अब मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाऊंगा। और भाई साहब जो मैंने फोटो क्लिक किए ना, जो वो अंकल मतलब कि बच्चों को किडनैप कर रहे थे, वही फोटो मैं जाके पुलिस लोग को दिखा दूंगा। उसके बाद गाइजर पुलिस लोग अंकल को पकड़ लेंगे, अंकल का हो जाएगा पर्दा फास्ट। और गाइजर मेरे सारे के सारे अवेंजर दोस्त लोग भी छूट जाएंगे। लेट्स गो गाइजर जल्दी से जाता हूँ। एक सेकंड गाइजर, आसपास तो कोई है नहीं ना। एक सेकंड, ओ नो गाइजर ये अंकल। ओके यार ये अंकल ने मुझे फिर से मार लिया। ओके ये देखो भाई, ये क्या, मुझे यहाँ पे क्या किया, मेरा कैमरा मत लो। ओके गाइजर ये लगता है अंकल ना मेरा कैमरा छीन लिए हैं। ओ नो गाइस यार मेरा सारे का सारा प्रूफ भी मिट चुका है, वो कैमरे के अंदर ही तो फोटो था जहाँ पे पता चल रहा था कि अंकल बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पुलिस लोग को कैसे बताऊंगा। अरे यार मेरा किस्मत ही खराब है भाई, यार यहाँ पे तो अंकल ने मुझे बहुत ही कस के मारा। भाई चलो यार खड़ा होता हूँ, मेरा सिर यहाँ पे बहुत ही दर्द कर रहा है। एक सेकंड ये देखो मेरे सिर में तो पट्टी बंधी हुई है। ओके लगता अंकल ने ना वो कुल्हाड़ी बहुत ही कस के मारी थी मेरे सिर में। चलो एक सेकंड, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी फुटेज लगा के रखा है, यहाँ इसका डिस्प्ले है, यहाँ पे मुझे सब चीज नजर आएगी। एक सेकंड पुलिस, ओके ये पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे। एक सेकंड ये तो वही घर है गाइजर जहाँ से यार अंकल बाहर निकले थे रात में, याद आया, और वहाँ पे पुलिस है। लगता गाइजर पुलिस को पता चल गया क्या, अंकल बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। ओके गाइजर चलो एक काम करते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है, चलो यार जल्दी से बाहर जाते हैं। लेट्स गो गाइजर, चलो 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 जल्दी चलो भाई, यहाँ पे जल्दी से जाते हैं। ओके वो देखो वो ये रहा घर, याद है आपको, यही तो है घर। गाइस पता है कल रात में ना यहीं पे अंकल थे और बच्चों को अंदर लेके जा रहे थे। अरे पुलिस अंकल आपको बच्चे मिले क्या, पुलिस अंकल बच्चे मिले क्या। एक सेकंड, अरे आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। ओ नो गाइस यार
इन्होंने मुझे पकड़ के बाहर फेंक दिया। अरे अरे अंदर मेरे फ्रेंड्स है, अवेंजर्स लोग है, मुझे उन्हें बचाना है। ओ नो गाइजर, ये अंकल तो मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे। ये पुलिस अंकल तो बहुत ही खड़ूस है, अब मुझे यहाँ पे कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। देखो गाइजर, पुलिस अंकल की गाड़ी है यहाँ पे, ये देखो। अरे यार पुलिस अंकल ऐसा क्यों कर रहे, मुझे भी तो अंदर जाना था। ओके क्या मैं इधर जा सकता हूँ? ओके गाइजर, वो देखो मेरी गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट होके अभी भी फंसी हुई है, ये देखो। और पता है कल रात में भाई यार यहाँ पे अंकल ने, ईवेल अंकल ने मुझे यहीं पे मारा था और यहाँ पे मुझे बेहोश कर दिया था मारकर, और मेरा कैमरा भी छीन लिया था। ये देखो ये रहा घर और ये रही मेरी गाड़ी। अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ गाइजर, मुझे लगता है मेरे सारे के सारे दोस्त लोग ना इसी घर के अंदर होंगे, क्योंकि गाइजर आपको याद ही होगा कल रात में वो अंकल बच्चों को पकड़ के ये घर के अंदर ले जा रहा था, इसीलिए मुझे पक्का यकीन है। चलो फ्रंट गेट में तो मुझे लगता है पुलिस है। एक काम करता हूँ, मैं बैकयार्ड से आता हूँ, बैक वाले दरवाजे से। लेट्स गो गाइजर, चलो ये वाला दरवाजा आता हूँ। फाइनली यार ये दरवाजा तो खुला हुआ है। ओके लगता है गाइजर अंकल फरार है। एंड ये देखो यहाँ पे गाइजर पुलिस ने पूरे तरीके से छापा मारा हुआ है। ओके गाइजर ये जगह तो बहुत ही डेंजर है यार, देख रहे हो। एक सेकंड गाइजर, ये दरवाजे के पीछे क्या है? बेसमेंट। ओके गाइजर ये देखो, ये बेसमेंट का रास्ता। मुझे पक्का कहने में सारे के सारे दोस्त लोग यही दरवाजे के नीचे, मतलब कि ये दरवाजे के पीछे होंगे, ये बेसमेंट का दरवाजा है। और यहाँ पे देखो एक दो तीन चार, चार ताले लगाए गए हैं, मुझे यहाँ पे चार चाबी ढूंढनी पड़ेगी। इस बार लगता है अंकल ना यार बच्चों को भाई परमानेंटली किडनैप करना चाहते हैं। देखो तो चार ताले लगा के रखे हैं, पुलिस भी यहाँ पे नहीं खोज पाएगा। सोच रहे हो, पुलिस भी ये दरवाजे को नहीं खोल पाएगा, मुझे यहाँ पे खोलना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, मुझे ही सोच सोच करके भाई सिर दर्द हो रहा है। क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ? नहीं गाइस यार ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये टेप लगा हुआ है। ओके यार ये अंकल तो आ चुके हैं, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे भागो 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 भागो, वरना अंकल मुझे यहाँ पे पकड़ लेते हैं। गाइस मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे पुलिस का टेप लगा हुआ है, जैसे मैं टेप काट दूंगा तो मैं ऊपर जा सकता हूँ। ओके ओके अंकल यार घर के अंदर ही घूम रहे, इसलिए मुझे यहाँ पे सोच समझ के चलना ही होगा। चलो एक काम करते यहाँ जाते हैं। एक सेकंड यहाँ पे भाई पुलिस है। उन्होंने भागो भागो जल्दी भागो। अरे मुझे ऐसे जल्दी से भागना पड़ेगा, पुलिस ने मुझे देख लिया है। अरे भागो जी भागो जल्दी भागो। ये देखो पुलिस आ चुके हैं। ये पुलिस अंकल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये देखो मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। अब गाइजर मुझे यहाँ पे दूसरा तरकीब लगाना पड़ेगा। लेट्स गो गाइजर, अब मुझे कुछ भी करके अंदर तो जाना ही जाना है। ये देखो अब ना गाइजर मैं अंदर जाऊंगा ना, मैं धीरे धीरे चलूंगा, मैं यार यहाँ पे आवाज नहीं ज्यादा करूंगा। ओके चलो यार अंदर चलते हैं, एकदम धीरे धीरे आवाज से, यहाँ पे ज्यादा पैरों का आवाज नहीं डालते जिससे यार पुलिस अंकल अंदर आए ना। ओके चलो यार ये अच्छा मौका है यहाँ पे अंदर जाने का। ओके दरवाजा बंद कर देता हूँ। एंड गाइजर ये क्या, यहाँ पे तो एक लॉकर है, यहाँ पे पासकोड लगेगा, बट यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर तो नहीं है। एक सेकेंड ये 8 है, चलो इसे ले लेता हूँ, और लगता है मुझे यहाँ पे रखना है। ये देखो ओके ये 8 हो गया, ग्रीन की जगह पे ग्रीन रखना। मुझे यहाँ पे चार बॉक्स ढूंढने हैं, यहाँ पे 8 तो हो चुका है, एक बॉक्स तो मिल चुका है, एक बॉक्स और ढूंढना है। यहाँ पे बॉक्स बॉक्स बॉक्स, यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं गाइजर यहाँ पे तो कोई बॉक्स नहीं है। चलो एक काम करते इधर जाके देखते हैं, क्या पता बाथरूम में बॉक्स हो। ओके यहाँ पे है क्या बाथटब? नहीं यार बाथटब में तो नहीं है। एक सेकंड मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ये देखो एक और बॉक्स, चलो बढ़िया है। यहाँ पे मेरे पास दो बॉक्स हो चुके हैं। ये कौन सा कलर का है? ये गाइजर ब्लू कलर का है, ये यहाँ पे होगा। अरे लग जा भाई। ओके गाइजर ये देखो ब्लू में हो चुका है, अब मुझे रेड और यहाँ पे ऑरेंज चाहिए। चलो गाइजर यहाँ पे ढूंढते हैं और कोई जगह पे बॉक्स है क्या। चलो यहाँ पे बॉक्स 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 कोई है क्या? ओके यहाँ पे मिल चुका है मुझे एक और बॉक्स, ये गाइजर रेड ही हो सकता है। यहाँ पे मैं रेड में रख दिया 198। ओके लास्ट वाला ऑरेंज वाला मुझे मिल नहीं रहा है, चलो उसका तुक्का लगा लेते हैं। चलो 1 यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ पे 984। ओके गाइजर मैंने तुक्का लगाया और ये खुल भी गया, मैंने यूं ही तरीके से 4 डाल दिया था। चलो फाइनली मुझे एक चाबी तो मिल चुका है, लेट्स गो गाइजर। चलो अब यहाँ से जल्दी से ये चाबी को लेके चलते हैं। एंड गाइजर एक ताला तो कम से कम खोल ही डालते हैं। ये देखो ये कौन सा ताला खुलेगा? ये खुलेगा। ओके यहाँ पे गाइजर अब 3 ताले और हैं। चलो 3 ताले को जल्दी जल्दी मुझे खोलना है। ओके चलो यहाँ पे खोलता हूँ मैं, इसके अंदर कुछ है क्या? ओके गाइजर ये देखो 4 बॉक्स था, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। चल भाग यहाँ से भाग यहाँ से। एक सेकेंड वहाँ पे एक अंकल का डॉल है। और गाइजर ये क्या, ये घर भी क्या कर रहा है? गाइज मैंने यहाँ पे पेंटिंग देखी थी। गाइज ये देखो यहाँ पे गाइजर अंकल की डॉल है। ओके यार ये डॉल से मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये घर भी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे गाइजर कुछ रखने का सिंबल बना रहा है, क्या मुझे यहाँ पे डॉल रखना चाहिए? चलो गाइजर 1 2 3 यहाँ पे 3 जगह है, क्या पता मुझे यहाँ पे डॉल रखने पर मुझे यहाँ पे कुछ हो जाए। लेट्स गो गाइजर इसको खोलता हूँ मैं, चलो खुल जा। अरे भाई खुल जा। ओके यहाँ से तो नहीं, मुझे लगता है पीछे से मैं जा सकता हूँ। चलो यहाँ से जाता हूँ, इस तरफ से नहीं इस तरफ से होगा शायद जाने का। ओके ये जाएगा, ओके ये जगह, चलो जल्दी से ऊपर जाता हूँ। ओके ये पेंटिंग को मैंने हटाया। एंड गाइजर ये क्या, ये डॉल को मैं यहाँ से ले सकता हूँ। चलो बढ़िया है, डॉल मैंने ले लिया यहाँ पे।
एंड लेट्स गो गाइजर, देखते डॉल का मैं क्या कर सकता हूँ। एक सेकंड, डॉल में रख सकता हूँ। ओके गाइजर, यहाँ पे मैंने एक डॉल रख दिया है। लगता है गाइजर मुझे यहाँ पे तीन डॉल चाहिए। तीन डॉल जैसे मैं यहाँ पे रख दूंगा, लगता है यहाँ पे घर का दरवाजा भी खुल जाएगा। चलो यहाँ पे एक डॉल तो हो चुका है, ये प्लान के पीछे क्या है चलो देखता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे एक और डॉल है। ओके ये देखो, फाइनली मुझे ये डॉल भी मिल चुका है। चलो बढ़िया है, चलो इसको यहाँ पे रखता हूँ। ओके गाइजर, यहाँ पे दो डॉल तो मैंने रख दिया है। एंड गाइजर ये क्या? ओह नो, ये भाई पुलिस अंकल तो वापस से आ चुके हैं। मुझे यहाँ पे कुछ भी करके एक और डॉल ढूंढना ही पड़ेगा गाइजर। ओके बार में लगता है ये डॉल है, इसे मैं ले सकता हूँ क्या? ओके लगता है ये डॉल काम नहीं आएगा, वो अलग तरीके का डॉल था। चलो एक काम करता हूँ, फिर से अंदर जाता हूँ। एंड गाइजर यहाँ पे एकदम चौकन्ना होकर अंदर जाता हूँ। भाई यहाँ पे एक सेकंड, ये पेंटिंग के पास भी मुझे हाथ का निशान आ रहा है, इसको मैं खोल सकता हूँ। ओके गाइजर ये क्या? यहाँ पे तो पैटर्न है। चलो एक काम करता हूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप है पैटर्न ढूंढने का। यहाँ पे जल्दी से पैटर्न ढूंढता हूँ, पैटर्न ढूंढता हूँ। ये जगह मैंने खोल दिया, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। एक सेकंड, ये टीवी खोलता हूँ। एंड गाइजर NOT यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन गाइजर यहाँ पे NOT में ना रेड कलर का। ओके गाइजर ये क्या अंकल बार बार क्यों आ जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही है पुलिस अंकल का। बट गाइजर आपने देखा था वहाँ पे NOT में रेड कलर था, इसका ये मतलब है गाइजर NOT को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा था। मुझे लगता है भाई कोड ही है ये NOT। ओके लगता है अंकल को जाने दो, मैं गाइजर वहाँ पे NOT टाइप करूंगा। ओके अरे यार ये अंकल जी क्या देख रहे हैं? अरे पुलिस अंकल जी अपना काम करिए ना, बाहर जाइए मस्ती से भाई, चाय पिए और सो जाइए, यहाँ पे घर में क्या देख रहे हैं। चलो गाइजर मुझे यहाँ पे, ओ नो नो नो, भागो 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 भागो, इसने मुझे देख लिया। ओके गाइजर ये मुझे पकड़ने के लिए हमेशा बेताब रहता है ये पुलिस अंकल। ये पुलिस से तो मैं बदला ले करूंगा देख लेना, बट अभी मेरा फिलहाल है चाबी ढूंढने में दिमाग ज्यादा जा रहा है। चलो गाइजर मुझे जल्दी जल्दी पीछे वाले दरवाजे से मुझे जाना पड़ेगा, आगे वाले दरवाजे पे तो ये पुलिस चचा बैठा हुआ है। चलो आप जल्दी से खोलता हूँ मैं। ओके गाइजर मुझे वहां पे ना NOT टाइप करना है। लेट्स गो गाइजर, यहाँ पे पुलिस अंकल तो नहीं है ना, चलो ठीक है जल्दी जल्दी मैं NOT टाइप करता हूँ। ओके ओके ये पुलिस अंकल फिर से आ गया मुझे पकड़ने के लिए, भागो भागो। ओ नो यार इसने मुझे फिर से पकड़ लिया, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ये पुलिस अंकल की ऐसे की तैसी करना पड़ेगा मुझे। चलो गाइजर अब एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी एक काम करता हूँ ना, पुलिस अंकल को गोल गोल घुमाता हूँ। ओके पुलिस अंकल जी ये देखिए पीछे आइए, पीछे आइए, अरे पीछे आइए जी, आइए आइए आइए, मैं आपको चाहती हूँ गोल गोल घुमाना, इधर आइए, आप इधर आएंगे एंड यार मैं पीछे के दरवाजे चला जाऊंगा। चलो गाइजर पीछे के दरवाजे से चलता हूँ, यही तो मेरा मकसद है। अरे यार ये तो फिर आ चुके हैं मेरे पीछे पीछे। ओके ओके ये तो मेरे पीछे पीछे ही दौड़ रहे हैं गाइजर। हाँ पकड़ लो मुझे आगे पकड़ लो। ओके गाइजर मुझे यहाँ पे ना धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ये देखो ये रे पुलिस अंकल वहां पे पता नहीं कुछ कर रहे हैं। उससे पहले यार वो कुछ करे, उससे पहले मैं यहाँ पे ना पैटर्न कर लेता हूँ। ओके चलो एन, यहाँ पे गाइजर मुझे यहाँ पे ओ चाहिए और यहाँ पे टी चाहिए। एंड यार ये तो खुल चुका है। ओके यहाँ पे एक दरवाजा है एंड यहाँ पे डॉल है। ओके फाइनली मुझे यहाँ पे क्रोबार भी है, लेकिन मेरे पास क्रोबार तो ऑलरेडी है, मुझे यहाँ पे डॉल चाहिए था। ओके यहाँ पे गाइजर मेरे पास दो क्रोबार हो चुका है और यहाँ पे डॉल भी है। चलो ठीक है यहाँ पे डॉल है, इसे जल्दी से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और देखता हूँ क्या होने वाला है। लेट्स गो गाइजर, ये देखो कुछ हुआ क्या? ओके काम करता हूँ ये ले लेता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। ओके गाइजर ये देखो यहाँ पे डॉल मैंने सही से लगाया एंड गाइजर मुझे यहाँ पे चाबी मिल चुकी है। चलो ये तो बढ़िया है भाई, मैंने फाइनली यहाँ पे चाबी से एक और मैं खोल सकता हूँ। ये देखो मैंने खोल दिया, अब बस यहाँ पे दो ताले बचे हुए हैं, इसे खोलना और मैं बस अपने दोस्तों को भाई यहाँ पे बचा के ले सकता हूँ। अरे अंकल जी मुझे पकड़ने से अच्छा ये दरवाजे को खोलते ना तो ज्यादा अच्छा होता। पुलिस अंकल जी पता नहीं किस काम के ये पुलिस अंकल है। ये पुलिस अंकल को ना मैं यही क्रोबार फेंक के मारूंगा, समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं पुलिस अंकल। अरे पुलिस अंकल जी मुझे ना पकड़ के ये दरवाजे को खोलिए ना। अरे पुलिस अंकल ये दरवाजे को खोलिए, दरवाजे को, अरे मुझे मत पकड़िए दरवाजे को खोलिए। अरे भाई ये पुलिस अंकलों को समझ ही नहीं आता, ये दरवाजे को खोलना चाहिए तो मुझे यहाँ पे पकड़ रहे हैं। मुझे गाइजर समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक सेकेंड यहाँ पे ये क्या है? भाई यार आपने कभी ट्री हाउस रियल लाइफ में देखा है? मैं पहली बार देख रहा हूँ ट्री हाउस को, भाई ये कितना कमाल का है। चलो गाइजर मैं काम करता हूँ, मैं भी यार ट्री हाउस के ऊपर जाके देखता हूँ होता है क्या। मैं आज से पहले कभी भी ट्री हाउस में गया नहीं हूँ, चलो ऊपर जाता हूँ। ओके जो ऊपर जाने के लिए गाइजर मुझे सीढ़ी चाहिए, बट यहाँ पे आधी सीढ़ी तो गायब है, अब मैं कैसे जाऊँगा मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड यहाँ पे गाइजर कुछ पिक्चर है, घर जाओ उसके ऊपर भाई मिल जाएगा, इसका क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आया। लगता है गाइजर मुझे ना यहाँ पे घर के ऊपर जाना पड़ेगा, वो देखो वो रही सीढ़ी, अब मुझे यहाँ पे घर के ऊपर मैं कैसे जाऊँगा। हेलो जी दरवाजा खोलिए, ये तो दरवाजा भी नहीं खुल रहा, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा फ्रैंकलिन। एक सेकेंड ट्रैम्पोलिन, अरे वाह ये तो अच्छा है, ट्रैम्पोलिन से मैं कूद कूद करके ऊपर जा सकता हूँ। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ये देखो मैं भाई आ चुका हूँ ऊपर, ये देखो मैं आराम से ऊपर आ चुका हूँ। अब गाइजर मुझे यहाँ से जंप करना है एकदम तेजी से। ओके ये देखो मैंने फाइनली जंप कर दिया। चलो गाइजर यहाँ पे तो है एंड गाइजर ये देखो
सीढ़ी मैंने कर दिया नीचे, अब गाइजर मैं आराम से ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ये तो बढ़िया है। यहाँ पे कुछ है, एक सेकंड सीजर, ओके गाइजर यहाँ पे कैची है, ये कैची का मैं मदद ले सकता हूँ वो टेप काटने के लिए। एंड गाइजर मैं घर का ना ऊपर वाला हिस्सा भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है ये कैची मुझे चाहिए। एंड गाइजर ये कैची को पाने के लिए ना लगता है मुझे यहाँ पे ट्रेन जो चल रही है उसका ना भाई ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, मुझे ये ट्रैक से ये ट्रैक में लानी पड़ेगी, जैसे ये ट्रैक आएगा तो भाई ट्रेन ना यहाँ पे टक्कर मारेगा कैची को और कैची आ जाएगी मेरी हाथ में यहाँ पे। ओके लेकिन मैं ट्रैक कैसे चेंज करूँ, यहाँ पे स्विच है वो मिसिंग है, अब मैं स्विच कहाँ से लाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, स्विच यहाँ पे आएगा कैसे, एक सेकेंड इससे कुछ होगा क्या। ओके भाई यार ये तो यही स्विच चाहिए मुझे, बट यार ये तो भाई इसका है, इससे मैं थोड़ी ना निकाल सकता हूँ। एक सेकेंड ये पेंटिंग क्या कर रही है, ये पेंटिंग के पीछे कुछ है क्या, ओके ये तलवार का हाथ है। एंड गाइजर मुझे यहाँ पे लगता है यही चीज करनी है इसके साथ, ओके चलो एक काम करते इसे लगा देते हैं, ओके लग जा भाई। एंड गाइजर ये क्या, इसे मुझे फिक्स करना है, ओके जैसा वो पेंटिंग में दिखाया गया इसका हाथ ऊपर होना चाहिए तलवार के साथ, तो चलो इसका हाथ ऊपर मैं कर दिया हूँ एकदम इस टाइप का, ओके ये ऊपर तो हो चुका है। एंड सेकेंड हाथ है नीचे, मतलब कैप्टन अमेरिका के शील्ड की तरह, ओके चलो तुम ऐसे हो जाओ लेट्स गो। ओके गाइजर ये देखो ये रहा लीवर, फाइनली मुझे लीवर मिल चुका है, अब यहाँ पे लीवर लगाता हूँ एंड इसे ऑन करता हूँ, अब गाइजर ये हो चुका है इस तरीके का ट्रैक, ट्रेन की पटरी चुक 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 चेंज हो जा, ट्रेन आ जा आ जा आ जा, जा। ओके गाइजर ट्रेन बस आने वाला है, ये देखो ट्रेन ये वाले ट्रैक में आ चुका है। एंड ये चाबी को, एंड ये भाई देखो कैची को लेके आ रहा है, फाइनली गाइजर कैची अब मेरे हाथ में आने वाली है, ये देखो कैची आ चुकी है मेरे हाथ में, ओके अब मैं कोई भी चीज काट सकता हूँ, पुलिस का टेप भी, लेट्स गो गाइजर अब नीचे उतरते हैं, अब गाइजर पुलिस का बच्चा ना बचेगा नहीं, ये देखो मैं क्या करता हूँ। चलो गाइजर अब टाइम आ चुका है घर के अंदर जाने का वापस से, ओके तो गाइजर चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं, अंकल मुझे ना देखे उससे पहले मैं अंदर जल्दी से चला जाता हूँ। ओके अंकल तो नहीं है यहाँ पे, भाई पुलिस अंकल तो नहीं है, चलो जल्दी से कैची को काटता हूँ। एंड मैंने यहाँ पे आराम से कैची को काट दिया, अब गाइजर चलो अब जल्दी से ऊपर चलते हैं, ये देखो फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ, अंकल भी ऊपर आएंगे क्या, अरे पुलिस अंकल जी ऊपर मत आइएगा। चलो पुलिस अंकल ऊपर आने से पहले यहाँ पे मैं सब चीज काउंट कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे कुछ है क्या गाइज, यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, मुझे जहाँ तक लगता है अब नेक्स्ट चाबी ना मुझे यहीं पे मिलने वाली है, चलो इसे काट देता हूँ मैं। यहाँ पे तो गाइजर एक पीस ऑफ पेंटिंग है, ये देखो अब ये मुझे कहाँ लगाना मुझे नहीं पता, ओके यहाँ पे लगाना है, ओके यहाँ पे लगता है और भी पेंटिंग का पीस मिसिंग है जो मुझे चाहिए, ओके यहाँ पे है क्या, ओके यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर भी कुछ नहीं, चलो यहाँ पे काटता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ मिल जाए अब तो मेरे पास कैची में कुछ भी काट सकता हूँ। ओके ऊपर लगता है मुझे कुछ है, चलो एक काम करता हूँ ऊपर देखता हूँ ऊपर कुछ है, ओके यहाँ पे तो वेट्स है, वेट्स का मैं अभी क्या करूँगा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं याद रखूंगा यहाँ पे वेट्स है, कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही आएगा। चलो आगे चलता हूँ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इस तरफ भी कुछ भी नहीं है गाइजर, चलो कोई नहीं इधर आता हूँ, इधर कुछ है, चलो यहाँ पे खोलता हूँ, ओके इसके लिए मुझे क्रोबार चाहिए तो चलो क्रोबार इस्तेमाल करता हूँ एंड इसे खोलता हूँ मैं, ओके ओके ओ नो गाइजर उसके अंदर पेंटिंग था, ओके पुलिस अंकल तो ऊपर भी आ चुके हैं, भाई वो बॉक्स के अंदर पेंटिंग था, मुझे पेंटिंग मिल चुका था, ये अंकल नहीं आते ना तो बहुत बढ़िया होता, अब मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ना अलार्म बजाना पड़ेगा, लेट्स गो गाइजर एक काम करते इसका अलार्म बजाता हूँ। एंड गाइजर भाई चुपचाप ऊपर चलूंगा ठीक है, ओके अलार्म बजा, अब अंकल जी नीचे आएंगे, ओके ये देखो अंकल जी नीचे आए, एंड ये अच्छा मौका ऊपर जाने का, लेट्स गो जल्दी से ऊपर जाता हूँ मैं, फास्ट जल्दी फास्ट, ओके गाइजर मैं ऊपर आ चुका हूँ। एंड ये रहा पेंटिंग, चलो जल्दी से मैं ये पेंटिंग को लेता हूँ, ओके एंड यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखो अब बस मुझे यहाँ पे दो पीस चाहिए, दो पीस जैसे मैं पेंटिंग ढूंढ लूंगा वैसे ही वहाँ पे पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, लगता है इस कमरे के अंदर होगा, चलो गेट लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बहुत कुछ, ओ नो गाइजर मैंने आवाज कर दिया, शिट भाई चलो जल्दी से छुप जाता हूँ, मैंने तो यहाँ पे आवाज कर दिया है, अब अंकल जी आएंगे और मुझे यहाँ पे पकड़ लेंगे, ये देखो अंकल जी आ चुके हैं, ये पुलिस अंकल जी तो बहुत ज्यादा तेज हैं, देखो तो भाई यार आवाज सुनने के साथ ही डायरेक्टली आ गए थे, मुझे यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा ये पुलिस अंकल से, ये पुलिस अंकल तो बहुत ही डेंजर है, ओके यार भागो जल्दी भागो, अरे पुलिस अंकल जी यहाँ पे क्या देख रहे हो, मैं नहीं हूँ, अरे नहीं हूँ जी मैं, जाओ, ओके लगता है गाइजर पुलिस अंकल जा चुके हैं, चलो अब जल्दी से बाहर निकलता हूँ मैं, लेकिन पुलिस अंकल बाहर ही है ठीक है, तो यहाँ पे देख रहो बहुत सारे बच्चों लोग का फोटो भी है, अब मुझे यहाँ पे सोच समझ के कुछ भी करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है गाइजर, ये जगह खोलता हूँ, ये जगह भी कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ से बच बच के यहाँ से हटना है। एंड ये क्या है, एक सेकेंड यहाँ पे गाइजर बैटरी चाहिए, बैटरी में लगा दूंगा ना और सी भाई ये गाड़ी चालू हो जाएगी, और वहां से देखो वहां पे चाबी है, लगता है ये गाड़ी ना चाबी लेके आएगी, ओके अब मुझे बैटरी चाहिए, चलो यहाँ पे ये देखता हूँ इसके अंदर कुछ है क्या,
इसके अंदर भी कुछ नहीं। अब मैं बैटरी कहाँ से लाऊंगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बैटरी बैटरी ओके ओनो गाइजर अंकल तो बाहर ही है। ओनो यार, ये अंकल ने मुझे फिर से पकड़ लिया। अब मुझे यहाँ पे बैटरी चाहिए। चलो गाइजर, मैं इतने जल्दी हार नहीं मारने वाला। अब मुझे यहाँ पे बैटरी भी चाहिए। चलो यार जल्दी से ऊपर जाता हूँ मैं। एंड गाइजर, ऊपर जाने से पहले एक बार देख ले तो अंकल जी तो नहीं है ना यहाँ पे। ओके यार अंकल जी नहीं चाहिए। ओके ओके ओके, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे पुलिस अंकल जी, ये दरवाजे को तो खुला जा नहीं रहा है, बढ़िया है मुझे पकड़ने के लिए। ये लो मैं यहाँ पे अलार्म बजा दिया। ओ नो यार, ये क्या, इसने मुझे पकड़ लिया है। बट चिंता ना करो, अलार्म वहाँ पे बज जाएगा। एंड गाइजर, अंकल जी अलार्म के पास ही होंगे। ओके यार, ये अंकल जी तो बाहर जा चुके हैं, ये पुलिस अंकल जी की ऐसे की तैसी। चलो यहाँ पे एक काम करो, मैं फिर से अलार्म बजाता हूँ। ओके, ये अलार्म भाई मैंने सेट कर दिया है, ये बज ही जाएगा कुछ ही सेकंडों में। एंड मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ। ओके लेट्स गो, यहाँ पे छुप गया मैं। एंड अंकल जी बस आने वाले हैं। ओके ये देखो अंकल जी दौड़ते हुए जाएंगे। अंकल जी दौड़ने से पहले मुझे ही देख लेते हैं। अरे अंकल जी मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे मत पकड़ो। ये पता नहीं पुलिस अंकल ऊपर क्या कर रहे हैं जा जा करके। मुझे गाइजर जल्दी जल्दी ये पुलिस अंकल को चकमा देके ऊपर जाना ही होगा। लेट्स गो गाइजर, मुझे कुछ भी करके वहाँ पे ऊपर जाना होगा। चलो चलो जल्दी चलो। ओके यहाँ से भी तो रास्ता है, मैं ऊपर जा सकता हूँ। चलो बढ़िया, अगर यहाँ से मैं जा पाया तो। ओके यहाँ से मैं जा सकता हूँ, ये देखो। लेकिन गाइजर ये तो खुल ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ। लगता है मुझे क्रोबार का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये रहा क्रोबार, चलो ये क्रोबार का इस्तेमाल करता हूँ मैं। ओके ये क्रोबार से भी ये खुल नहीं सकता। लगता है गाइजर यहाँ से तो मैं जा नहीं पाऊंगा, जहाँ तक मुझे लगता है मुझे गाइजर डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा नीचे वाले रास्ते से। ओके चलो यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बजा देता हूँ फिर से अलार्म। ओके लेट्स गो, और यहाँ पे मैं आके छुप जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं देना है। ओके अंकल का आवाज आने देना है, अंकल जी जैसे नीचे आएंगे वैसे मैं ऊपर भाग जाऊंगा। ओके गाइजर लगता है अंकल जी नीचे आ चुके हैं, अब मुझे ऊपर जाने का समय हो चुका है, जल्दी से ऊपर जाता हूँ मैं। ओके चलो इधर चलता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ पे बैटरी मिल जाए। बंद करो एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्विच लगाना है। अगर मैं स्विच लगाऊंगा तो शायद मुझे यहाँ पे बैटरी मिल सकता है। यहाँ पे स्विच स्विच कुछ है क्या यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे स्विच का काम करे। यहाँ पे स्विच तो होना चाहिए आसपास में, कुछ भी मिल जाए भाई मैं मान जाऊंगा। ओके अंकल जी मुझे मत पकड़िएगा अंकल जी, नो। ओके तो गाइजर ऊपर मुझे कुछ भी करके स्विच ढूंढना है। चलो यार जल्दी से ढूंढते हैं स्विच। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे अलार्म लगा देता हूँ मैं। ओके अलार्म लगा दिया मैंने यहाँ पे। एंड अब टाइम है ऊपर जाने का, लेट्स गो धीरे धीरे ऊपर चलते हैं। चलो ऊपर जल्दी से चलो। अब मुझे यहाँ पे स्विच चाहिए, यहाँ पे स्विच नहीं है, यहाँ पे तो स्विच है भी नहीं। लेट्स गो यहाँ पे बंद कर देता हूँ मैं स्विच। भाई यहाँ पे कहीं आपको स्विच दिखाई देना तो प्लीज़ यार मुझे यार कमेंट करके बता देना, मुझे तो यहाँ पे स्विच तो नज़र ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ। ओके यहाँ पे कोई स्विच है क्या ऊपर में गाइजर, वेट्स हैं ये तो मुझे पता है, अंदर में स्विच है। ओके यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं 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 यहाँ पे लगता है, काम करो छुप जाओ यहाँ पे, अंकल जी आ रहे हैं। अच्छा मैं छुप गया, अभी पुलिस अंकल आए। मुझे गाइजर यहाँ पे तो स्विच नजर ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी करके यहाँ पे स्विच ढूंढना ही पड़ेगा। अंकल जी प्लीज यहाँ से जाइए ना पुलिस अंकल जी। भाई यहाँ पे क्या ढूंढ रहे मुझे समझ ही नहीं आ रहा पुलिस लोग। भाई यहाँ पे किडनैपर नहीं है यार, मैं किडनैपर थोड़ी ना हूँ, किडनैपर तो बच्चे लोगों को नीचे किडनैप करके रखा है, उसे खोलो ना। ये पता नहीं यहाँ पे क्या देख रहे, सच में गाइजर पुलिस लोग ना कोई काम नहीं करता ढंग से। चलो पुलिस तो गए, अब गाइजर मुझे यहाँ पे पेंटिंग भी कंप्लीट करनी है एंड यहाँ पे स्विच भी ढूंढना है। यहाँ पे कोई स्विच नहीं है यार, यहाँ पे तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मैं कैसे स्विच ढूंढूं। ओके तो गाइजर मुझे यहाँ पे ना एक सीक्रेट रास्ता मिला है, ये देखो। एंड गाइजर ये पता है दूसरी तरफ खुलता है ये। एंड यहाँ पे देखो अगर अंकल जी मुझे देख लेते उससे पहले यहाँ से मैं रफू चक्कर हो जाता हूँ। अंकल जी कब जाएंगे आप यहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब जैसे आइए, ओके यार जैसे ही जा चुके ऐसे में यहाँ पे आ चुका हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे ना मुझे कुछ रखने के लिए बोल रहा है, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो वो देखो वो दरवाजा खुल जाता है, और अगर मैं हटूंगा तो वो खुलता ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि वहाँ पे गाइजर जो वेट्स था ना मुझे यहाँ पे काम आने वाले हैं। चलो अच्छा है यहाँ पे आस पास ही वेट्स था, ये देखो यहाँ पे मुझे वेट्स मिले थे ना, मुझे पता था कि इसका कोई ना कोई काम जरूर होने वाला है। चलो यहाँ पे जल्दी से मैं ऊपर चढ़ता हूँ। चलो ये रहा वेट्स, ओके जल्दी से मैं ले लेता हूँ इसे। ओके वो रहे अंकल जी, उससे पहले अगर ये अंकल जी आए उससे पहले गाइजर मैं जल्दी से यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे ना मैं वेट्स को रख देता हूँ, और जैसे मैंने वेट्स रखा ना ये देखो यहाँ पे मुझे एक पीस ऑफ पिक्चर मिल चुका है। एंड यहाँ पे गाइजर बैटरी का तो नामो निशान नहीं है, बट चलो पीस ऑफ पिक्चर तो मिल चुका है। चलो इसे जल्दी से मैं खोलता हूँ एंड गाइजर इधर चलता हूँ। ओके यहाँ पे गाइजर मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब बस मुझे एक पिक्चर और चाहिए, और गाइजर यहाँ पे मुझे बैटरी चाहिए, बस यही दो चीज़ चाहिए।
यहाँ पे अंकल फिर से हैं क्या? ओह के अंकल मुझे पकड़ने वाले थे, मैं बच ही गया थोड़ा सा। ओके अंकल जी आ चुके। ओ नो यार, इन्होंने तो मुझे पकड़ ही लिया। चलो यार मैं हार तो नहीं मान सकता, अब मुझे वापस ऊपर जाना है। मैं वापस से वही ट्रिक अपनाने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे मैं अलार्म बजाऊंगा अंकल जी यहाँ पे आएंगे पुलिस अंकल जी, और मैं फटाक से ऊपर चला जाऊंगा। पता नहीं अंकल जी को ऊपर के वो दिख क्या रहा है, जो बार बार वो ऊपर ही जा रहे हैं। अब मुझे गाइज़र अंकल जी के यहाँ पे आने का वेट करना है, एंड ये यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगा, जल्दी जल्दी चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अब गाइज़र मुझे यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे कुछ है क्या? चलो काटता हूँ मैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ओके यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मैं कुछ भी काट सकता हूँ। इसके अंदर कुछ है क्या? नहीं गाइज़र इसके अंदर भी कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ है क्या? चलो देखता हूँ। अब मुझे हर चीज़ काट काट के देखनी है, क्या पता उसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है। मैंने वेट रखा है, यहाँ भी काटने का है। ओके पीस ऑफ पिक्चर मिल चुका है, चलो ये तो बढ़िया है। यहाँ पे गाजर सभी चीज़ हो चुकी है। चलो अब जल्दी से भाई यहाँ पे पेंटिंग लगाता हूँ मैं। ये देखो मैं पे पेंटिंग लगाया, एंड गाजर ये क्या, कुछ तो हुआ। ओके चाबी मिल चुकी है। ओके ये तो बढ़िया है, यहाँ पे गाजर एक चाबी तो मिल चुकी है टोटल। ओके ये तो बहुत बढ़िया है, एक चाबी यहाँ पे टोटल मिल चुकी है मुझे। चलो जल्दी जाके खोल देता हूँ मैं। अरे वाह मजा आ गया मजा आ गया, कौन सी है? अब गाइज़र मुझे यहाँ पे बस एक चाबी का इंतजार है। चलो यहाँ पे मैं वापस से अलार्म बजाता हूँ, अंकल जी को वापस से बुलाता हूँ, फिर से ऊपर जाऊंगा मैं। ओके ओके अंकल जी मेरे पीछे ही पड़ चुके हैं, भागो भागो जल्दी भागो, अंकल जी ने मुझे देख लिया है। अब बस मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चाबी चाहिए, और मुझे जहाँ तक लगता है बस मुझे बैटरी चाहिए। अगर जैसे मुझे बैटरी मिल जाएगा ना मैं मान जाऊंगा। अंकल जी मैं यहाँ पे आपका सारा ना टेप काट दूंगा, ये लो सब काट दूंगा, मुझे बैटरी चाहिए, बैटरी दो मुझे, कोई बैटरी दो भाई। इतना ना मैं भाई मार्केट से खरीद के लिए आता बैटरी, वो टॉय कार में बैटरी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? अरे अंकल जी मुझे बैटरी चाहिए, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? चलो गाइज़र जल्दी से ऊपर जाता हूँ। ओ नो अंकल जी ने मुझे देख लिया, भागो भागो जल्दी भागो। अरे मुझे बैटरी दे दो भाई, क्यों मुझे पकड़ रहे हो? ओके मैं वापस ऊपर आ चुका हूँ, मुझे यहाँ पे ढूंढना है बैटरी। यहाँ पे भी गाइज़र लगता है सीजर से ना कुछ काटने का तो है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे भी लगता है कुछ छुपा के रखा होगा। चलो देख ही लेता हूँ क्या कुछ यहाँ पे मुझे मिल जाए। कुछ है क्या यहाँ पे? अरे कुछ है क्या हटाने के लिए? गाइस मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करके यहाँ पे बैटरी तो चाहिए चाहिए, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक लीवर लगाना पड़ेगा, और वो लीवर मैं तब से खोज रहा हूँ बट मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। भाई कहीं ना मुझे कुछ मिल जाए, इसके पीछे है क्या? नहीं यहाँ पे भी नहीं है, एंड यहाँ पे एक सेकंड गाइस यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। ये स्लाइड भी होता है क्या बेड? एक सेकंड, हाँ होता है, यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। चलो एक काम करते हैं स्विच को दबाता हूँ, एंड गाइस ये क्या, ये तो बेड आगे आ गया। ओ नो यार यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब भी आ चुके हैं, और यहाँ पे देखो मुझे लीवर मिल चुका है। चलो ये लीवर लेता हूँ, और ओ नो ये पुलिस इंस्पेक्टर था मुझे पकड़ लिया। बट फाइनली गाइज़र मुझे यहाँ पे लीवर मिल चुका है, एंड गाइज़र लगता है लीवर गाइज़र वही कमरे में छूट चुका है। अरे पुलिस अंकल जी मुझे ऊपर जाने दीजिए। चलो एक काम करता हूँ नीचे अलार्म बजाता हूँ, जिससे यार ये पुलिस अंकल नीचे आएंगे, एंड गाइज़र मैं ऊपर जाके लीवर ले लूँगा। ओके और लीवर के अंदर मुझे बैटरी भी मिल जाएगा। चलो हर जगह का अलार्म बजा देता हूँ मैं, जैसे ही बजेगा वैसे अंकल जी जाएंगे। ये देखो गए, भागने दो उन्हें। अरे ओ नहीं, इन्होंने तो मुझे देख लिया। अरे भागो भागो जी भागो, अब मैं कहाँ जाऊँ? ओ नो यार इन्होंने फिर से पकड़ लिया। चलो यार अब मेरे पीछे अंकल जी नहीं है, अब मैं आराम से ऊपर आ गया। चलो एक दरवाजा बंद करता हूँ, एंड गाइज़र मुझे यहाँ पे लीवर मिल चुका है, ये देखो। अब गाइज़र मुझे क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे गाइज़र लीवर को लगानी है, एंड इसे बस ऑन कर देना है। ये देखो ये दरवाजा स्लाइड हो चुका है, एंड गाइज़र यहाँ पे मुझे बैटरी मिल जाएगा। ये देखो फाइनली मुझे यहाँ पे बैटरी मिल चुका है, एंड गाइज़र इसके अंदर क्या है? चलो एक काम करता हूँ खोल के देखता हूँ, लेट्स गो गाइज़र खोलता हूँ। इसके अंदर तो कैमरा है मुझे। ओ नो यार ये क्या, इन्होंने मुझे फिर से पकड़ लिया। बट गाइज़र इस बार बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने यार यहाँ पे एक सेकंड सारा सामान कहाँ गया? अरे सारा सारा सामान वहीं पे छूट चुका है, मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा। ये पुलिस अंकल को तो मैं यही क्रोबार फेंक करके मारूंगा। समझ में आता नहीं कि बस मुझे क्यों पकड़ रहा है, दरवाजा खोले तो जा नहीं रहा है, बस मुझे ही पकड़ रहे हैं। ओके गाइज़र अब मुझे यहाँ पे ध्यान से खेलना पड़ेगा। चलो 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 सारा सामान मेरा ऊपर ही छूट चुका है। ओके उन्हें नीचे जाने दो, एंड यहाँ पे भी मैं ये बजा देता हूँ। ओके उनको जाने दो उधर। ओके जी उधर उस तरफ तो अंकल जी ही है, अरे भागो भागो। अरे यार मैं तो अंकल जी का ही दरवाजा बंद खोल कर रहा था। चलो यार जल्दी से ऊपर भागो। ओ नो ये अंकल जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, भागो भागो जल्दी भागो। अच्छा मैं यहाँ पे छुप गया था। ओ नो एक सेकंड, ये पेंटिंग के पीछे क्या है? एक सेकंड ये तो मेरा कैमरा है। फाइनली गाइज़र मुझे कैमरा भी मिल चुका है, एंड गाइज़र वहाँ पे ना सीसीटीवी कैमरा भी था, ये देखो। ओके लगता है मैं सीसीटीवी कैमरा भी प्लेस कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं बैटरी भी लेता हूँ। यहाँ पे तो मुझे बहुत सारे सामान मिल चुके हैं। अब चलो गाइज़र जल्दी से वो आरसी रिमोट कार को चालू करते हैं, लेट्स गो गाइज़र। चलो टाइम आ चुका है भाई ऊपर अंकल जी ना आ जाए। चलो यहाँ पे डालते हैं बैटरी, एंड इसे ऑन करते हैं। ये देखो ये गया नीचे, अब ये चाबी ले आएगा।
अरे भाई आ जाओ ऊपर, ओके स्विच दबाना पड़ेगा। ये चाबी ले आया, ये देखो। एंड चलो फाइनली मुझे यहाँ पे आखिरी चाबी भी मिल चुकी है, ये देखो। एंड कैसे लगता है ना, मैं कैमरा को भी कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लगा दिया मैंने। एंड गाइजर रुको, इसको सही से लगाने दो। एंड गाइजर ये देखो, मैं कोई भी कैमरा एक्सेस कर सकता हूँ। ओके यहाँ पे तो बहुत सारे कैमरे हैं, देख रहे हो, यहाँ पे तो मैं सारा का सारा कैमरा एक्सेस कर सकता हूँ। और ओ नो यार, ये अंकल जी फिर से आ चुके हैं। अब ये मेरा सारा सामान है या फिर नहीं, चलो देखता हूँ। सारा का सारा सामान ऊपर ही गिर गया। ओ नो, ये कैमरा देखने के चक्कर में मैंने अपना चाबी भी ऊपर ही गिरा दिया है, अब मुझे वापस से लाना पड़ेगा। अब गाइजर मैं इस बार कोई भी गलती नहीं करने वाला हूँ, सारा का सारा सामान मैं ले लेने वाला हूँ, देखना। ओके यहाँ पे सारा का सामान रहा, मेरा सामान कहाँ गिर गया? ओ नो, कहीं इधर उधर गिर मत जाना। चलो यार जल्दी जाके देखता हूँ, कोई सामान इधर उधर तो नहीं गिर गया ना मेरा। ओके मेरी चाबी, ओके चाबी वापस से अंदर ही है, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा चाबी। चलो जल्दी से चाबी लेता हूँ और निकलता हूँ, यहाँ पे कैमरा उमरे का चक्कर छोड़ता हूँ मैं, चाबी लेता हूँ और यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ। इधर आजा चाबी, मेरे पास आजा। अरे चाबी आजा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आवाज़ कर देता हूँ जिससे अंकल जी ऊपर आ जाएं। एंड गाइजर ये क्या, अंकल जी आ चुके हैं, भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे भागो जी भागो 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 जल्दी भागो, अब मुझे बस नीचे आना है। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। फाइनली गाइजर मुझे आखिरी चाबी मिल चुकी है, अब बस मैं नीचे जाऊंगा और भाई साहब बेसमेंट का दरवाजा खोल दूंगा और अपने सारे दोस्तों को बचा लूंगा। चलो अंदर चलो और ये दरवाजे को बंद कर देता हूँ। चलो गाइजर अब यहाँ पे मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलो एक सेकेंड, मेरे सारे दोस्त लोग कहाँ है? एक सेकेंड, मेरे सारे दोस्त लोग? ये तो गाइजर बहुत छोटा सा बेसमेंट था, मुझे लगा था कि यहाँ पे गाइजर होंगे मेरे फ्रेंड्स सब, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? एक सेकेंड, ये क्या है? यहाँ पे गाइजर कोई पेपर है। ओके यहाँ पे गाइजर अजीबो गरीब कुछ लिखा हो, मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। चलो एक काम करता हूँ, इसे खोल के देखता हूँ। ओके भाई यहाँ पे मुझे चाबी मिल चुका है, ये देखो। और ये चाबी मुझे लगता है भाई वही ताले का है, ये ताले से मैं पता नहीं बाहर जा सकता हूँ क्या। चलो जल्दी से आता हूँ। एंड गाइजर चलो अब भाई निकलता हूँ बाहर। ओके गाइजर ये देखो, यहाँ पे तो भाई एक एरोप्लेन, मतलब यार ये पेपर वाला एरोप्लेन आ रहा है मेरे पास। चलिए इसे खोल के देखता हूँ, यहाँ पे तो हेल्प में लिखा हुआ है। ओके यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, देखो गाइजर यहाँ पे पेपर के प्लेन तो बहुत सारे हैं, ये देखो। एंड गाइजर यहाँ पे हेल्प मी, सब में गाइजर हेल्प मी लिखा हुआ है, ये देखो। यहाँ पे तो गाइजर बहुत सारे पेपर प्लेन्स है एंड ये कहीं तरफ जा रहे हैं गाइजर। एक सेकेंड, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही नहीं है क्या, भरे पड़े यहाँ पे। चलो एक काम करता हूँ देखता हूँ, अरे मुझे कहाँ जाना है भाई, यहाँ पे तो ये पेपर प्लेन कहाँ तक जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है। देखो सामने किसी तरफ जा रहे हैं क्या, देखता हूँ। एक सेकेंड, ये जा कहाँ रहे हैं? ओके गाइजर ये देखो, सारे का सारा पेपर प्लेन तो ये घर के अंदर जा रहा है, ये देखो। ये घर तो मुझे बहुत ही भूतिया टाइप का लग रहा है, लगता है मेरे सारे के सारे दोस्त लोग ना अंदर ही हैं फंसे हुए, जो गाइजर मुझे यहाँ पे हेल्प मी करके ये पेपर फेंक रहे हैं। ओके गाइजर मुझे अंदर जाना पड़ेगा, बट गाइजर आज के एपिसोड में हम लोग अंदर नहीं जाने वाले हैं, हम लोग इसका पार्ट टू लेके आएंगे, जिसमें यार हम लोग हेलो नेबर्स मतलब कि इसका पूरा एपिसोड कंप्लीट करेंगे, अंकल जी से लड़ाई करेंगे और अपने सारे दोस्तों को बचा लेंगे। ओके तो गाइजर अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना एंड कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी जल्दी पार्ट टू का डिमांड कर देना। ओके तो गाइजर हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट टू में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।